कौशाम्बी के दुर्गा भाभी सभागार में दो दिवसीय साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटल एविडेंस के कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रेजेंटेशन पर विस्तार से जानकारी दी गई। एक्सपर्ट रक्षित टंडन के मुताबिक मौजूदा समय में अपराध के दौरान डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। अत्याधुनिक होते युग में डिजिटल क्रांति ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। मौजूदा समय में साइबर अपराध सहित अन्य अपराध की प्रकृति में डिजिटल एविडेंस बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार के एविडेंस कई बार विवेचक व साइबर अफसर कम जरूरी समझ उसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि अपराधी के लिए अदालत में बचाव का रास्ता बन जाता है। देखिए, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन सर की प्रेरणा से ये दो दिवसीय साइबर क्राइम से संबंधित वर्कशॉप चल रही है और इसमें देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट श्री रक्षित टंडन जी हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ से जो भी आईटी एक्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ साइबर हेल्प डेस्क बनी हुई है, जो हमारा साइबर सेल बना हुआ है, प्रत्येक थाने से यहाँ आप देख रहे होंगे भारी मात्रा में उपस्थिति है, क्योंकि आज के समय में ये एक बड़ी चुनौती है और इसके बारे में हर पुलिसकर्मी अगर जागरूक रहेगा और वो जानता रहेगा तो वो पब्लिक की मदद कर पाएगा। जैसा सर ने बताया, ये हमारे एडीजी जोन साहब की उससे मार्गदर्शन से हो रहा है और ये हमने पूरी रेंज में किया है दो दिवसीय, और अभी हम चार डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट, और अभी तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी। आज हम कौशाम्बी दो दिन करेंगे, उसके बाद फतेहपुर और फिर प्रतापगढ़। तो इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में जितने हमारे आईओस हैं, ऑफिसर्स हैं और साइबर हेल्प डेस्क के हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है।